इंडिया से सर इसके हम पीवीएस से क्वेश्चन सॉल्व करें, और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2020 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट बी क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल, स्किन, व्हिच ऑफ द अबव एन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोड रे ट्यूब मॉनिटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कंप्यूटर पर बेस्ड है, और क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन रे ट्यूब मॉनिटर। देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, आपको पीछे का जो लॉजिक या थ्योरी पता है आप इसका क्वेश्चन का आंसर एक बार में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रे ट्यूब है इसका हम आपको डायग्राम से समझाएंगे। देखिए इस तरह का जो मॉनिटर है हम सब ने घर में देख रखा है, जो डब्बे वाला मॉनिटर आता था हम उसका डायग्राम बना देंगे। अगर आपको एग्जाम हॉल में डायग्राम याद रहा तभी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए जैसा मैंने कहा था, हमने आपके लिए जो सीआरटी मॉनिटर है उनका एक डायग्राम बना दिया है। ठीक है, और उसको हमें लिख भी दिया है। तो देखिए इस तरह का जो मॉनिटर है हम सब ने घर में पहले देख रखा है, घर में या स्कूल में देख रखा है, जो मतलब डब्बे टाइप का जो मॉनिटर आता था वैसा। देखिए इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो डायग्राम देखते हैं आप, पहला है इलेक्ट्रॉन गन जहां से इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है। ठीक है, अभी यहां पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल्स है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल्स है, फोर्थ स्किन है जो हम देखते हैं। ठीक है, जो स्किन है, और इलेक्ट्रॉन रे ट्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रे ट्यूब है यहां पे। अभी देखिए द सीटीआर मॉनिटर यूज कैथोड रे ट्यूब, जो रे ट्यूब है, इंक्लूडिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम एंड अ फॉस्फोरस कॉयल स्किन फॉर प्रोड्यूसिंग एन इमेज ऑन द स्किन। ठीक है, तो यहां पे आपको आंसर में क्या मिला, तो हमें आंसर मिला जो इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल एंड स्किन तीनों होगा, मतलब आंसर है डी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर आपको ये डायग्राम याद रहा तो आप आराम से इसको देखेंगे और आंसर कर पाएंगे। देखिए कंप्यूटर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान होते हैं, आपको कुछ मतलब बस कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीछे का लॉजिक पता है आप क्वेश्चन पढ़िए और टिक लगा दीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आया, वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट से पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो लगेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।